प्रदेश के जिला कांगड़ा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन भी इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। ऐसे में कई समाज सेवी संस्थाएं सेवा कर रही हैं, कोई राशन बांट रही है तो आर्थिक सहायता भी कर रही है। लेकिन कांगड़ा के रहने वाले गुप्ता परिवार ने एक नई मिसाल कायम की है और हर रोज सुबह उठकर 100 लोगों के लिए नाश्ता बनाकर टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों को दिया जा रहा है। वहीं इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत समय लगता है और हर रोज लोगों को बदल बदल कर नाश्ता दिया जाता है। सुबह 4 बजे गुप्ता परिवार नाश्ता बनाना शुरू करता है और 9 बजे ये नाश्ता टांडा अस्पताल पहुंचाया जाता है। विनय गुप्ता सब्जी बनाते हैं और उनकी धर्मपत्नी वसुधा रोटियां बनाती है और बेटा और दादी भी इनका इसमें हाथ बटाते हैं। सारा खर्च ये परिवार अपनी जेब से ही करता है, लेकिन अब कुछ लोग इनके साथ सहयोग के लिए भी जुट गए हैं। विनय गुप्ता की पत्नी वसुधा का कहना है कि सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और नाश्ता बनाती हैं। उन्होंने बताया कि आज इस महामारी के दौर में अगर इंसानियत को जिंदा रखना है तो इंसान की मदद करनी होगी। हम जो टांडा में पेशेंट हैं, उनके जो अटेंडेंट आए हुए हैं, उनके लिए खाना भेज रहे हैं। पहले संख्या 50 थी और धीरे धीरे वो बढ़कर अब 100 पहुंच गई है। सुबह लगभग हम 5 बजे उठ के ये कार्य करते हैं और लगभग 300 चपाती अब बन रही है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे, मेरी सासू माँ, हम सारे इस काम में लगे हुए होते हैं। पहले मेरे हस्बैंड ने कहीं से इनको वो मैसेज आया कि 5 लोगों का खाना देना है शाम को। फिर 5 लोगों का खाना जब मैंने बोला तो सुबह कहाँ से खा रहे हैं वो, तो मन में ही कुछ वो आया कि जो लोग शाम को बेचारे भूखे, सुबह से लेके शाम तक भूखे हैं और इनको सुबह नाश्ता नहीं मिलेगा। शाम तो चलो फिर भी कट जाती है, पर सुबह से ही इंसान अगर थोड़ी एनर्जी होगी तो थोड़ा मन में ऐसे आया कि नहीं, सुबह का भोजन हम शुरू कर देते हैं, शाम को तो चलो हम 5 लोगों का दे ही रहे हैं। तो कुछ मन में ही ऐसे अपने आप ही ख्याल आया तो ये कहते कि नहीं, हम इकट्ठे ही काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और सुबह से हम शुरू कर देते हैं ये काम। लोगों के लिए यही मैसेज है कि इस महामारी में एक तो वो घरों में रहें, थोड़ा अपना भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें। और प्रेरणा तो यही है कि हर किसी के लिए आगे हो, मदद के लिए आगे हो, क्योंकि पता नहीं किस पे ये आंच आ गिरेगी, क्योंकि कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस दुनिया में। तो यही वो है कि सारे मिलजुल के करें, तो इतना नहीं हो पाएगा पर फिर भी अपनी कोशिश रहेगी कि हमें जब तक इनका वो है, पेशेंट आ रहे हैं, तब तक हम अपने आप से ये भोजन देते रहेंगे। और सभी लोगों से यही विनती है कि प्लीज़ घरों में रहें और थोड़ा ध्यान से रहें, क्योंकि ये महामारी खत्म होने वाली, अभी तो खत्म होने वाली नहीं है। विनय गुप्ता के बेटे का कहना है कि वे अपने परिवार के साथ मिलकर नाश्ता बनाते हैं और टांडा भी पहुंचाते हैं। हम जो कोविड पेशेंट्स आए हैं टांडा में, हम उनके अटेंडेंट्स की खाने पानी की व्यवस्था करते हैं और इस काम को करने में हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है अंदर से। हम सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं। मेरे फादर हैं, मदर हैं, भाई है और दादी भी हैं, दादी काम करते हैं थोड़ा बहुत। तीमारदार संजय का कहना है कि आज के समय में कोई भी मदद नहीं करता, लेकिन ये गुप्ता परिवार बहुत ही भलाई का काम कर रहा है, जो कि बढ़िया नाश्ता बनाकर मरीजों तक पहुंचा रहा है। नाम संजय है, मैं ज्वाला जी से आया हूँ। मेरे फादर साहब यहाँ पे कोविड में एडमिट हैं, जो है आज